So a very good evening to everybody, those who are watching me live right now, as well as those who are watching this videos later. So a very good evening to all of you. So today is day number 15 of this Python 30 days masterclass. आज हम पढ़ने वाले हैं pandas part number 2 के बारे में. तो अभी तक day 30 की हमारी पूरी जर्नी होनी है, जिसमें day 15 में आज हम हैं, जहाँ पे हम Python के basics cover करने के बाद पहुँच चुके हैं libraries में. और libraries में आज हम cover करने वाले हैं pandas का second part. जैसा कि मैंने आपको बताया था, pandas एक बहुत ही important library जो कि हमें projects में भी काफी helpful रहेगी. data चाहे clean करना हो, messy data मिला है, तो data analyst का 80% time तो data clean करने के लिए जाता है. इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है pandas library को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो बहुत सारे सवाल होंगे इस pandas library से. इसलिए हमने 2 दिन डेडिकेटेड हमारा रखा था numpy के लिए भी, और इसी तरीके से 2 दिन हमने डेडिकेटेड रखा था pandas के लिए भी. तो आज pandas का पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, और pandas की जो एडवांस कॉन्सेप्ट है दैट विल बी देयर इन आर प्रीमियम बैचेस, तो वो भी आप लोग एक बार यहाँ पे देख सकते हैं. तो आज की क्लास है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे. सो आफ्टर लाइक फर्स्ट मैं आपको 15 मिनट्स जो है, सबसे पहले अच्छे से एक बार मैं सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करके बता देती हूँ. देन आफ्टर इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट्स, जो भी अगर पिछली क्लास को लेके भी कुछ डाउट रहा होगा जो कि पांडास में समझ में नहीं आया था आपको, तो आप लोग मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लाइव जो है पूछ सकते हैं कॉमेंट पार्ट में. नीचे लाइव चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी देयर ऑल्सो. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. पांडास के बारे में पढ़ेंगे और पांडास का पार्ट नंबर 2. तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या कुछ पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे देती हूँ. सो पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स जो कवर किए थे कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा सेट पे काम करते हैं, इंडेक्सिंग यहाँ पे पांडास पे कैसे की जाती है पार्ट नंबर 1 पे हमने देखा था. किसी अगर पर्टिकुलर कॉलम को आपको अगर एड करना है उस डेटा सेट में तो आप कैसे करेंगे, मास्किंग कैसे काम करता है, पर्टिकुलर कॉलम्स का नाम चाहिए तो कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने पार्ट 1 में कवर कर ली थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट नंबर 2. सो प्लीज जस्ट लेट मी नो लाइक आई हैव गिवन यू द नोट्स ऑल्सो. बहुत सारे लोगों का जो सवाल है वो नोट्स को लेके भी आता है. तो ये जितने भी नोट्स हैं अभी तक के पूरे 15 डेज के नोट्स, हर एक टॉपिक के, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो बेसिक्स हो, टपल्स, नंपाई, पांडास, लिस्ट, डिक्शनरी सेट, सारे के सारे आपके पास जो नोट्स है वो आपके अवेलेबल हो चुके हैं आपके मोबाइल ऐप पर. इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि वहां पे भी आपको सारी के सारी चीजें जो है नोट्स, असाइनमेंट्स, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन अ ग्रेट मैनर. सो प्रैक्टिस इज द थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट वाला पार्ट. जब तक असाइनमेंट नहीं करेंगे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो जो डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं सारे यूनिट से रिलेटेड ऐप में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, नोट्स के साथ असाइनमेंट भी अवेलेबल है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा. असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस में भी डाउट आए ना तो लाइव नहीं पूछ पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पे मुझे डाउट है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन पार्ट ऑल्सो देयर. So do let me know directly all these things in the comment part. Let me just start with today's class, and today we are going to learn about the part number 2. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे heading दे देते हैं, that is pandas, और आज है हमारा day number 15. So pandas day 15, और इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे पूरा schedule डाला हुआ है, 100 days हमारा पूरा program है free data analytics program का, 30 days cover करने वाले हैं python से related ही, okay? So पार्ट नंबर 2 टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट 2. सो इसे हम हेडिंग के फॉर्मेट में दे देते हैं. सबसे पहली बात, पांडास को यहाँ पे हमें इम्पोर्ट करना होगा. सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एलियास बना के इम्पोर्ट कर लेते हैं. इम्पोर्ट कैसे करना है आई डोंट थिंक इसमें किसी का भी कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पे, राइट. अगर किसी के सिस्टम पे इंस्टॉलेशन नहीं है पांडास का तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, pip install pandas नाम से हम यहाँ पे जो कमांड होता है इसको यहाँ पे हम लोग रन करेंगे. लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पांडास जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है. आप अगर लाइक इंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे जो कमांड यूज होता है वो होता है pip install pandas, ठीक है.
तो पिछली क्लास में भी हमने एक डेटा फ्रेम लिया था, टाइटैनिक शिप वाला डेटा फ्रेम। तो मैं ये डेटा फ्रेम आपको दिखा देती हूँ। सो हियर वी कैन सी कि डेटा फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है। अब इस डेटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम्स थे, पैसेंजर आईडी क्या था जो टाइटैनिक शिप में ट्रैवल कर रहे थे, वो सर्वाइव कर पाए या नहीं कर पाए, उनका पैसेंजर क्लास क्या था, नाम क्या था पैसेंजर का, उनका जेंडर क्या था, किस एज के थे पैसेंजर, राइट, टिकट क्या था, टिकट का फेयर क्या था, कैबिन क्या था, इमाम क्या था। तो ये बहुत सारे कॉलम्स का बहुत सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर titanic.csv फाइल हमारे पास यहाँ पे डेटा था। अब ये जो डेटा है कहाँ पे, ये देख सकते हैं हम लोग, गिटहब का डेटा है ये। अब इस गिटहब के डेटा को कहाँ लेके जाना है, हमारे जुपिटर नोटबुक पे, ताकि वहां पे हम एनालिसिस जो है सही तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे हम ओपन कर लिए हैं। अब क्या करना है, डेटा को रीड करना है। तो पिछली क्लास में भी ये सीख चुके हैं, कोई भी डेटा रीड करना है तो pd.read। कौन से टाइप का डेटा रीड कर रहे हैं, csv फाइल है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर csv। और इसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा लिंक दिख रहा है ना, जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, सिंपली मैंने इसे यहाँ पे किया है कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाके कर देती हूँ इसे पेस्ट। ओके, इसको करते हैं रन। तो अब वो जो डेटा था मेरे पास, जहाँ पे वो बहुत सारा टेक्स्ट डेटा था तो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा था, बट अब ये जब जुपिटर नोटबुक पे मेरे सामने आया तो यहाँ पे ये देखिएगा सही तरीके से मुझे रिप्रेजेंट होके यहाँ पे मिल पा रहा है, सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो डेटा हमने यहाँ पे रीड कर लिया। अब जिस डेटा को स्टोर करवा देते हैं एक वेरिएबल पे, तो लेट्स से वेरिएबल का नाम है df, इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे df को मैंने यहाँ पे रन किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी हियर, ये जो df वाला मेरा वेरिएबल है, इस df वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ। एंड हियर वी कैन सी कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा डेटा सेट है मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। सो दोज हु आर वॉचिंग मी लाइव हियर राइट नाउ, प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट पार्ट whether आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू यू गाइज और नॉट। ओके, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आप लोगों को मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ, डू लेट मी नो इन द लाइव चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा हम लेके आ गए। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे 12 कॉलम्स हैं, क्या क्या कॉलम्स का यहाँ पे नाम है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे df डॉट कॉलम्स नाम से यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगी। और हम यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे कॉलम्स का जो नाम है आपके पास लिस्ट बन के आ चुका है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, एज, SIP, SP, पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ना पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ नेम वाले कॉलम की, इस टाइटेनिक शिप के अंदर जितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे उनके नाम क्या क्या थे। तो हमने इसको कर दिया रन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे कॉलम्स में से हमने केवल और केवल पकड़ा यहाँ पे किसको, नेम वाले कॉलम को। अब इस नेम वाले कॉलम में हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले पैसेंजर है हमारे, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ब्राउन एंड मिस्टर ओवेन हैरिस। सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं क्यूमिंग्स है, मिसेस जॉन ब्रैडली है, राइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स का नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं ये चीज को चाहती हूँ, इसमें टोटल कितने पैसेंजर्स का नाम मुझे दिख रहा है, तो 891 यहाँ पे देखिएगा, 891 लेंथ है, मतलब 891 पैसेंजर्स का रिकॉर्ड है और 891 उनके नाम हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स से मुझे इन 891 नहीं, मुझे टॉप शुरुआत के जो 10 पैसेंजर्स है ना, केवल उनका नाम चाहिए। तो कैसे निकालना होगा शुरुआत के 10 पैसेंजर्स का नाम, तो सिंपल है, df लिखते हैं और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, नेम चाहिए, तो मैंने लिख दिया नेम। और यहाँ पे 10 पैसेंजर चाहिए, मतलब आउट ऑफ 890 आई जस्ट वॉन्ट की 1 से लेके मुझे 0 से लेके मुझे 9 तक मिल जाए, क्योंकि 0 से 9 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 भी अगर काउंट होगा तो वो 10 हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग कर लेते हैं। स्लाइसिंग ऐसा तो नहीं है कि पहली बार सीख रहे हैं, स्लाइसिंग हमने लिस्ट में सीखा है, हमने स्ट्रिंग्स में सीखा है, राइट, इस चीज को स्लाइस करते हैं। तो 0 से अब मुझे यहाँ पे चाहिए कहां तक, 10 तक। तो मैंने लिखा 0 से 10। तो जैसे ही मैंने 0 से 10 तक किया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 10 पैसेंजर्स हैं उनका नाम मेरे पास आ चुका। तो यहाँ पे 10 पैसेंजर्स जो हैं उनका नाम मेरे पास यहाँ पे इजिली विजिबल हो रहा है और मुझे यहाँ पे ये शो भी हो रहा है। ओके, ऑल राइट, सो दोज हु आर वॉचिंग दे आर सेइंग कि यस इट्स प्रॉपरली ऑडिबल। ठीक है, जहां पे भी जो भी चीज समझ में नहीं आए प्लीज तुरंत जाके लाइव चैट पे पूछिए, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक कैसे चीजें क्लियर होगी, राइट। सो दिस थिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर, एंड लेट मी जस्ट फिगर आउट समथिंग ओवर देयर।
सो वॉट यू नीड टू डू इज यहाँ पे लेट्स से 0 से लेके 10 तक जो था ये हमने क्या किया, डेटा यहाँ पे हमारे पास स्लाइस जो है वो हो चुका है, राइट। सो लुकिंग फॉरवर्ड अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं ताकि थोड़ा डिटेल में देखने के लिए मिले। लेट मी जस्ट शो यू हियर। ओके, तो शुरुआत के 10 यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका टाइप मुझे अगर पता करना है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको एक ए नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो ए है इसको कॉल करते हैं तो ये आ चुका। अब ये जो ए है ठीक है, ये किस टाइप का है, तो इसके लिए टाइप फंक्शन को कॉल करके ए को कॉल कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टाइप है वो है pandas.core.series.series, ठीक है, सीरीज के फॉर्मेट में यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है अवेलेबल है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए एक बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए यहाँ पे। ये जो है आपके पास ए, ठीक है, ये जो हमने df नेम जो है ये निकाला, सो what वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली वी वुड लाइक टू टेक सर्टन पॉइंट्स हियर। ये जो ए है मेरा, इसके अंदर जो इंडेक्सेस हम देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 यहाँ पे अपने आप इंडेक्सिंग मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। सो क्या करना है मुझे, अब ये इंडेक्सेस जो है डिफॉल्ट आ जा रहे हैं, मैंने नहीं ये सेट किया। अब मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 9 अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स को सेट कर पाऊँ। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि पहला इंडेक्स मेरा हो स्वाति नाम से, दूसरा इंडेक्स हो मेरा लेट्स सपोज A2 नाम से, A3 नाम से, अप टू A10 नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एट लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है ये बोलने का कि यहाँ पे इंडेक्सेस जो है डिफॉल्ट वाले अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। कैसे सेट करेंगे चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इंडेक्सेस यहाँ पे क्या रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगी इंडेक्सेस की। मेरा पहला इंडेक्स जो होना चाहिए, मैं चाहती हूँ पहला इंडेक्स लेट्स सपोज मेरा ही नाम हो इट्स स्वाति, ओके। दूसरा इंडेक्स हो मेरा मान लेते हैं A2 होना चाहिए। तीसरा इंडेक्स लेट्स से मेरा मान लीजिए A3 यहाँ पे होना चाहिए। फोर्थ वाला इंडेक्स मेरा होना चाहिए लेट मी जस्ट टेक दिस एज A4, देन A5 एंड देन आफ्टर लेट मी जस्ट टेक हियर सम मोर थिंग्स इट्स A6, देन आफ्टर इट्स A7, देन आफ्टर इट्स A8, then after it's A9, and then after let me just take this as A10, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 दिख रहे थे, इसकी जगह हम चाहते हैं ये वाला इंडेक्स जो मैंने अभी बनाया एक लिस्ट की तरह ये मेरे पास आ जाए। तो इसको मैं सबसे पहले रन करती हूँ। अब यहाँ पे हमने जो देखा कि ये सीरीज में है डेटा, राइट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे pv.series और सीरीज फंक्शन के अंदर किसमें सीरीज लगाना है, इस ए नाम के वेरिएबल में। हियर यू कैन सी ये ए के अंदर स्टोर है ना, तो यहाँ पे ए मैंने लिखा। अब इसमें इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू एल पास कर देते हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ पे देखिएगा ए नाम से जो मैंने था ये तो पूरा बना हुआ है, इसका हम लोग टाइप देख रहे हैं सीरीज है, तो मैंने यहाँ पे सीरीज फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे इंडेक्स ये जो एल नाम का मैंने लिस्ट बनाया ना इसी को मैं इंडेक्स में यहाँ पे पास कर रही हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, INDEX होना चाहिए। इसको रन करते हैं, सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर, लेट्स जस्ट फिगर आउट। ओके, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सीरीज का एस स्मॉल था, इसको हमने ठीक कर लिया। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए पहले जो हो रहा था यहाँ पे जो इंडेक्सेस हमें दिख रहे थे 0, 1, 2, 3, 4 ये बाय डिफॉल्ट आ जा रहा था, ये हम खुद से नहीं डाल रहे थे और पैसेंजर का नाम यहाँ पे आ रहा था। लेकिन अब जब मैं खुद से यहाँ पे इंडेक्स डाल रही हूँ तो देखिए इंडेक्स तो आ गया, पहला इंडेक्स मेरा आ गया स्वाति, दूसरा इंडेक्स A2 A3 सब कुछ आ गया, लेकिन इसके अंदर अब NaN वैल्यू आ रहा है, मतलब नॉट अ नंबर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पैसेंजर का नाम चाहिए, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि स्वाति यहाँ पे मेरा इंडेक्स का नाम हो, और पहले पहले पैसेंजर का नाम क्या है, पहले वाले पैसेंजर का नाम है ब्राउन एंड मिस्टर ओवेन हैरिस, तो यहाँ पे आना चाहिए ब्राउन और आना चाहिए मिस्टर ओवेन हैरिस, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब क्या करें, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ NaN वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या लेके आना है इस चीज को मुझे लिस्ट के अंदर लेके आना है ताकि मुझे पैसेंजर का डेटा भी वहां पे देखने के लिए मिले। तो मैं यहाँ पे pd.series वाला जो है इसको कॉल कर लेती हूँ और ये जो सेम चीज है इसको मैं लिस्ट के अंदर पास कर देती हूँ। ए नाम का वेरिएबल है और इंडेक्स में क्या पास करना है हमको, ये जो एल नाम से लिस्ट बना के रखे इसको,
इसको यहाँ पे रन करते हैं, सो इट इज शोइंग एरर। एरर यहाँ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ब्रैकेट्स हमारे पास सही तरीके से लगे नहीं है, सो वो ठीक कर लेते हैं। ऑल राइट, जैसे ही हमने इसको रन किया तो अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि पहला वाला इंडेक्स जो पहले 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा था, अब मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से इंडेक्स सेट कर लिया। पहला इंडेक्स का नाम है स्वाति, देन A2, A3, A5 अप टू A10, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सारे के सारे पैसेंजर्स का नाम भी यहाँ पे देखने के लिए इजिली मिल पा रहा है। तो इस तरीके से जो डिफॉल्ट इंडेक्स आता है, हम अगर अपनी मर्जी से कोई इंडेक्स खुद से सेट करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट इट। तो मुझे अभी आप लोग ना, जो लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट पे एक लाइक क्वेश्चन जैसा मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रॉपरली लाइक समझ में आ रहा है या नहीं। सो लेट मी जस्ट टेल कि ये जो पांडास लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके 5 यूजेस जो है, कहाँ कहाँ पे पांडास का यूज होता है, ये मैंने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बताया था। ये 5 यूजेस क्या क्या होते हैं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग बाद में वीडियोस देखेंगे वो भी मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोज हु आर वॉचिंग मी लाइव राइट नाउ, प्लीज जस्ट टेल मी, ताकि मुझे भी पता चले कि जो पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, तो डायरेक्टली आप लोग मुझे वो लाइक नीचे चैट बॉक्स सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो लेट मी जस्ट, ओके इट इज शोइंग दैट जूम्ड। ओके, some sort of glitches are there. बता सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे यूजर्स जो think let's so please just let me know whether I am properly audible or visible to you guys. I think jo glitch aaya tha that is resolved right now. All right, so I think whatever be the glitches that we were having that time, it's resolved right now. Okay, sorry for the technical glitches that happened that time. Moving forward, let's just don't just lose our focus because of the technicalities, technical glitches. All right, अच्छे से इसको समझते हैं, because this library is very important. As I've mentioned earlier also, interview में एक दो सवाल आपके पक्का पांडास से होने हैं. So just give attention and sorry for the technical errors. ठीक है, all right. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये चीज समझ चुके हैं हम लोग कि किस तरीके से like जो indexes हैं, डिफॉल्ट की जगह अपनी मर्जी से कोई इंडेक्स सेट करना है तो कैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे M1 नाम से मैं एक बना रही हूँ एक और डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे हम लोग PD.Series वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करते हैं PD.Series,
और इसके अंदर मेरे जो वैल्यूज होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज आ जाए 100, 200, 300, 400 एंड लेट्स से 500, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉट लाइक कॉमा इंडेक्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और अपनी मर्जी से मैं इंडेक्स अब यहाँ पे दूंगी। तो मैं डिफॉल्ट नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इंडेक्स में खुद से दूं, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स दे देती हूँ। M1 ये जो हमने बनाया है यहाँ पे डेटा फ्रेम, इसको कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम बन के आ चुका है जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज हैं और साथ में इसके अंदर जो जो हमें देना था, जैसे इंडेक्स 1 में 100 देना था तो वो आ चुका है, इंडेक्स 2 में 200 देना था वो आ चुका है, इंडेक्स 3 में 300 देना था वो आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पे बना लिया एक डेटा फ्रेम। अब हम लोग यहाँ पे एक और डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसका नाम होगा M2, ठीक है। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए pd.series में सीरीज का S कैपिटल होगा और इसके अंदर जो मैं वैल्यूज है, लेट्स सपोज चाहती हूँ कि आ जाए 600, 700, 800, 900 एंड लेट्स से 1000, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देते हैं। अब जो इंडेक्स होगा मैं मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। M1 और M2 यहाँ पे दो हम डेटा फ्रेम बना चुके हैं। हियर यू कैन सी एक डेटा फ्रेम है M1, दूसरा डेटा फ्रेम है M2। अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि देखिए दो अलग अलग डेटा फ्रेम अवेलेबल है हमारे पास, एक है M1 नाम का और दूसरा है मेरे पास M2 नाम का, ठीक है। तो इस M1 और M2 दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ यहाँ पे, इन दोनों डेटा फ्रेम को आपस में हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट वाले फंक्शन का। कैसे यूज करेंगे, तो M3 नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेती हूँ जिसपे मैं M1 और M2 दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक जगह स्टोर करवा रही हूँ M3 में, ओके। So those who are watching live now, please just let me know whether these things are properly understandable for you or not. So यहाँ पे pd.concat function जो है, इसको हम यहाँ पे call करेंगे। अब concat क्या करना है? M1 वाले data set को और M2 वाले को। तो यहाँ पे हम M1 M2 को concat कर देते हैं और यहाँ पे M3 को call करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम्स जो आपके पास थे, ये कॉन्कैटिनेशन हो चुका है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये जो M1 वाला पार्ट था यहाँ तक था हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास M2 वाला पार्ट था और इन दोनों को मिला के हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया M3 में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे डेटा अगर अवेलेबल है तो उसका हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन भी इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे ये जो M3 मेरा डेटा सेट है इसके इसमें फर्स्ट वाले इंडेक्स में क्या है ये पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे M3 1 लिखूंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है मतलब 1 वाले इंडेक्स में 100 भी है और इस 1 वाले इंडेक्स में 600 भी है। तो यहाँ पे एक ही इंडेक्स का नाम है, 1 ही यहाँ पे नाम है, लेकिन यहाँ पे दो दो वैल्यूज अवेलेबल है, इसमें 100 अवेलेबल है और इसमें 600 अवेलेबल है, इसलिए हमें यहाँ पे ये दो वैल्यूज को शो कर रहा है, राइट। अब ये सीख चुके हैं कि कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। अब यही चीज मैं बोलूं कि M1 वाला जो आपके पास में डेटा है, हियर यू कैन सी यहाँ पे जो हमने जस्ट बनाया ये वाला M1 वाला, ठीक है, जिसके अंदर ये वैल्यूज है, और ये है M2 वाला जिसके अंदर ये वैल्यूज है। अब अगर मैं बोलूं M1 M2 का कॉन्कैटिनेशन तो सीख चुके हैं, क्या ये पॉसिबल है कि M1 इंटू M2 हम लोग करें, ठीक है, दोनों डेटा अलग अलग है उसको मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल होता है यहाँ पे पांडास में। कैसे करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट इसको अप्लाई करके देखते हैं। M1 इंटू M2, ठीक है, इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी वी आर गेटिंग द रिजल्ट। पहले हमारे पास क्या था, M1 ये था, ये M2 था, इसमें था वैल्यूज 100, 200, 300, 400, 500, 500 इट इज, और यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो था हमारे पास 600, 700, 8, 900 और यहाँ पे था 1000। तो जैसे ही हमने M1 इंटू M2 किया, हियर वी आर सीइंग द रिजल्ट्स, ये जो वैल्यूज हैं हमें 600 इंटू 100 दैट इज 60,000 के सारे वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमें यहाँ पे मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डेटा फ्रेम्स है तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एडिशन और कॉन्कैटिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कॉन्कैटिनेट की बात हुई तो पहले M1 आ गया, फिर M2 आ गया और ये दोनों मिलके बन गया हमारा क्या, M3, ठीक है। अब कॉन्कैटिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू लाइक
एडिशन, ठीक है। अब मैं एडिशन की बात कर रही हूँ कि ये जो आपके पास M1 वाला डेटा है और M2 वाला डेटा है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो हियर वी आर सीइंग द रिजल्ट। यहाँ पे अगर बात करें, M1 था, M2 था, इसमें वैल्यूज क्या क्या दिए थे, 100, 200, 300, 400, 500 था। यहाँ पे वैल्यूज थे हमारे 6, 7, 800, 900 एंड 1000। तो अब जब प्लस हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 700, राइट। तो प्लस पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कॉन्कैटिनेशन भी पॉसिबल है, और तीनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं इस बात को हमने यहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज की, जहां पे हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, राइट, इसको ही हम लोग एक बार यहाँ पे कंसिडर करते हैं df डॉट हेड लगा के। तो मैं यहाँ पे df डॉट हेड को यहाँ पे कॉल करती हूँ। तो ये वाला टाइटेनिक वाला जो डेटा फ्रेम है ये आ चुका। पिछली क्लास में ये सीखा था कि अगर हमें कोई भी कॉलम, यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स देख रहे हैं, कोई भी कॉलम अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, चाहे कॉलम लास्ट में ऐड करना हो या फिर बीच में ऐड करना हो, तो कॉलम्स को ऐड करना तो सीख चुके थे। अब यहाँ पे बात करेंगे डिलीट करने की, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो पैसेंजर आईडी वाला कॉलम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इस कॉलम को मैं डिलीट करना चाहती हूँ। ओके, सो जो लोग पहले से जानते हैं कि डिलीट कैसे किया जाता है, देयर इज एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड्स दिस थिंग्स, जिसने प्रीवियसली पहले भी पढ़ के रखा है, टू लेट मी नो इन द कमेंट पार्ट वेदर यू आर हैविंग द आइडिया और नॉट। तो मुझे, मैं अभी आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था इंसर्ट कैसे करना है, आज की क्लास में कॉलम्स को डिलीट कैसे करना है मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंसर्ट कैसे करना है मुझे नीचे जो लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, सो दैट आई वुड ऑल्सो नो कि पिछला कॉन्सेप्ट याद है या फिर पीछे हम भूल जा रहे हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं, डू लेट मी नो। ऑलराइट, तो फोकस अभी करेंगे किस पे, किसी भी कॉलम को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि ये जो पैसेंजर आईडी वाला हमारे पास में कॉलम दिख रहा है ना, इसको अभी हमें यहाँ पे डिलीट करना है। ओके, तो चलिए डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ये df नाम का डेटा फ्रेम है, ड्रॉप फंक्शन का यूज होता है। ये ड्रॉप फंक्शन मदद करता है डिलीट करने के लिए। क्या डिलीट करना है, ये वाला कॉलम पैसेंजर आईडी नाम का, सो कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, देखिएगा मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम लोग थोड़ा रन करें और वेट करें, सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे पाइथन को पता नहीं है कि ये पैसेंजर आईडी कौन सी एक्सेस में है, नॉट फाउंड इन एक्सेस, एरर आ गया। तो जब भी यहाँ पे एक्सेस मतलब क्या होता है, देखिए ये जो डेटा सेट हमारे पास में अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स है, राइट। क्या है यहाँ पे, ये जो एक्सेस है मतलब ये पैसेंजर आईडी क्या है, आपका कॉलम का नाम है, राइट, और बाकी ये जो डेटा आप देख रहे हैं, जो हर एक लाइन का डेटा, ये है आपके पास रोज। तो कॉलम वाला एक्सेस हो जाता है यहाँ पे एक्सेस वन, और ये जो रोज है इसको हम बोलते हैं एक्सेस जीरो। तो कौन से एक्सेस के अलोंग आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। इसीलिए अभी क्या आ गया यहाँ पे एरर। अब यहाँ पे हमें कौन से एक्सेस के अलोंग डिलीट करना है, तो एक्सेस इज इक्वल टू वन लिख के हम लोग रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए जो पैसेंजर क्लास, यहाँ पे देखिए पहले पैसेंजर क्लास आता था, फिर सर्वाइव वाला कॉलम आता था। अभी ये वाला जो पैसेंजर क्लास है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया या यू कह ले रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट सर्वाइव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कि क्या ये मेरा जो पैसेंजर क्लास है परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अब मैं वापस से df को, df डॉट हेड को यहाँ पे अगर कॉल करूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने df डॉट हेड किया, तो अब हम देख रहे हैं कि अरे अभी तो डिलीट किया था, अब तो फिर से आ गया पैसेंजर आईडी। तो जब पहले हमने ड्रॉप एनए लगाया था वो केवल टेम्परेरी डिलीट हुआ था। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब आपकी जो डीएफ वाला हमारा मेन डेटा फ्रेम हमने बना के रखा है, उससे अगर आपको परमानेंटली ये पैसेंजर आईडी वाला जो कॉलम है ना, इसको परमानेंटली डिलीट करना है, तो यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी वहां पे वो डिलीट होगा। ओके, तो चलिए लगा के देखते हैं। सो यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, लेट्स से मैं अभी यहाँ पे जो सर्वाइव्ड वाला डेटा है ना, ये भी हम लोग एक बार ड्रॉप करके देखते हैं।
तो df डॉट ड्रॉप करते हैं. क्या ड्रॉप करना चाहते हैं? ये जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम दिख रहा है राइट, इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्वाइव्ड. अब यहाँ पे कौन सी एक्सेस है? तो एक्सेस है यहाँ पे कॉलम वाली, इसलिए हम लिखेंगे एक्सेस इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे लगा देते हैं, केवल अभी इतना रन करते हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि अब पैसेंजर क्लास तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो सर्वाइव्ड वाला हमारे पास कॉलम था ना, वो अभी हमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, बट क्या ये परमानेंटली हट गया? क्या नहीं हटा है. जैसे ही मैं df लिखूंगी तो देखिए सर्वाइव वापस आ गया. तो परमानेंटली हटाना है, परमानेंट इलाज करना है इसका. तो परमानेंट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन प्लेस इज इक्वल टू, हियर इट शुड बी इन प्लेस. ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू यहाँ पे करना पड़ेगा. इसको रन करते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया, तो अब यहाँ पे df को हम यहाँ पे लेट से इसको मैं हटा दूं और इसको df लिखूं, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंटली जो सर्वाइव्ड वाला डेटा था वो मेरे पास से हट चुका है. पैसेंजर आईडी, पैसेंजर क्लास आ गया और सर्वाइव्ड वाला डेटा जो है परमानेंटली मेरे पास यहाँ पे हट चुका है. राइट, सो दिस थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे यहाँ पे कॉलम्स को डिलीट किया जाता है. क्योंकि जब डेटा मिलेगा, इंडस्ट्री के अंदर चले जाओगे, जॉब लग जाएगा, बहुत सारा डेटा मिलेगा, तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि डेटा को कोई कॉलम रखना है, कोई कॉलम नहीं रखना है. तो कैसे क्लीन करोगे जब तक पांडास का अच्छा नॉलेज नहीं होगा? राइट, सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब यहाँ पे रोज को कॉलम को डिलीट करना था, तो बात समझ चुके कॉलम को कैसे डिलीट करना है. अब हो सकता है कि रोज भी डिलीट करना पड़ जाए. कुछ ऐसे केसेस मिले जहां पे आपको रोज जो है वो डिलीट करना चाह रहे हो आप, राइट? तो रोज को डिलीट करने के लिए यहाँ पे अब कैसे करना है वो हम लोग सीखते हैं. सो लेट सपोज, मान लीजिए यहाँ पे जो थर्ड वाला रो है, ठीक है, जिसमें पैसेंजर आईडी है 4, पैसेंजर क्लास है 1. इस थर्ड वाले रो के जो पैसेंजर्स थे वो थे इट्स जैकिस हेल्थ एंड इट्स लिली मेपील, राइट, एंड फीमेल थे, एज 35 था. उसके बाद टिकट का फेयर उन्होंने लेट्स से it's 1,13,803 euros के अराउंड, या टिकट नंबर कैसा कह सकते हैं, फेयर इन्होंने 53 यूरोस के अराउंड दिया. कैबिन नंबर ये था और इमांग ये था. ठीक है, अब ये वाला जो रो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन आई एम रिप्रेजेंटिंग यू हियर, ये वाला रो, ठीक है, थर्ड वाला जो रो दिख रहा है ना, ये वाला जैसे मैं ब्लू कलर के बॉक्स से हाईलाइट कर रही हूँ, अब इसको हमें यहाँ पे डिलीट करना है. कॉलम डिलीट करना सीख चुके हैं, रो को डिलीट करना सीख रहे हैं. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? df डॉट ड्रॉप करना पड़ेगा. ड्रॉप क्या करना है? थर्ड वाला आपको डायरेक्ट रो ही करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है, इसमें रोज देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 आ गया. ठीक है, तो क्या ये परमानेंटली डिलीट हुआ है क्या? आंसर है नहीं, अभी भी ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है. परमानेंटली अगर डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा, तभी वो जो हमारा मेन डेटा है df नाम का, उससे डिलीट होगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं वापस से df डॉट हेड अगर लगाऊ और इसको मैं यहाँ पे रन करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 3 आ गया. ठीक है, डिलीट नहीं हुआ है. लेकिन इसी को अगर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, फिर से कर लेते हैं df डॉट ड्रॉप. ड्रॉप क्या करना था? थर्ड वाला रो, और अब लगा देते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है, रन करते हैं. अब df को कॉल करते हैं, तो अब परमानेंटली डेटा जो है थर्ड रो वाला, देखिए डिलीट हो चुका है. 0, 1, 2 आया, डायरेक्टली 4 आ चुका. थर्ड वाला जो रो था हमारे पास में, वो यहाँ पे डिलीट जो है वो हो चुका है. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. अब यहाँ पे देखिए एक बात और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली जो चीजें हैं यहाँ पे ना, ये जो अभी देखिएगा, ये जो मेरे पास df है अभी, इसमें मेरे पास ये इंडेक्स को ध्यान से देखिए. प्लीज लेट मी जस्ट चेक हियर वेदर यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट. सी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी का कोई डाउट आया है. इफ हैविंग एनी, लेट मी नो इन द कमेंट पार्ट. तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि पांडास लाइब्रेरी का 5 यूज क्या होता है, ये बताइएगा. काफी बार बेसिक से ऐसे सवाल भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. और दूसरा सवाल ये है कि आपको अगर कोई भी रो को एड, किसी भी कॉलम को अगर आपको एड करना है पांडास लाइब्रेरी में,
तो आप वो कैसे करेंगे? ये दो सवाल हैं जिसका मैं वेट करूंगी लाइव चैट बॉक्स पे और कमेंट पे कि आप उसका आंसर जरूर करें मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इंडेक्स की। तो यहाँ अगर इंडेक्स देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 890 अपने आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टास्क है ये, ठीक है, रो को ऐड कर, रो को डिलीट करना, कॉलम्स को डिलीट करना सीख चुके हैं। अब तीसरा टास्क यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि ये जो डिफॉल्ट मेरे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं, इस डिफॉल्ट इंडेक्सेस में मैं चाहती हूँ कि ये जो नेम नाम का कॉलम है ना मेरा, यही मेरा क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए। ओके, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स में कन्वर्ट करना, ये हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। एक कॉलम है नेम नाम का, इस नेम नाम के कॉलम को क्या करना है, इंडेक्स वाली पोजिशन पे उसको इंडेक्स बना देना है। कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका इस काम को करने के लिए df.set_index फंक्शन का यूज होता है। अब सेट इंडेक्स है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स को सेट करने की बात हो रही है। कौन से इंडेक्स को सेट करने की बात हो रही है? सो हियर वी कैन सी कि जो नेम नाम का हमारा कॉलम है उसको हमें एज ए इंडेक्स सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, इसको मैंने किया रन। हियर वी कैन सी द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, देखिए पहले जो था, पहले का मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जस्ट ये वाला जो स्टेप किया इसके जस्ट पहले देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास था इंडेक्स पोजिशन बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या आ रहा है ये देखिए, अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो इंडेक्स पोजिशन 0, 1, 2, 3, 4 था वो हट चुका है और यहाँ पे आ गया नेम वाला जो कॉलम था वो इंडेक्स बन गया। और अब इंडेक्स हो गया ब्राउन, मिस्टर ओवन हैरिस, क्यूमिंग्स, मिसेस जॉन ब्रैडली, मिसेस लाइना, एलन, विलियम हेनरी, तो जितने भी पैसेंजर्स के यहाँ पे नाम थे वो अब मेरा बन चुका है इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या ये सच में चेंजेस हुए हैं, क्या ये डीएफ में चेंजेस हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पे जाके डीएफ लिखूँ ना, सो दिस चेंज इज नॉट परमानेंट, क्योंकि अगर परमानेंट चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सेट करते हैं। तो ये हमने लेट सपोज, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर भी देती हूँ। यहाँ पे हम वापस गए और अब क्या करते हैं, परमानेंट चेंजेस करना है तो इन प्लेस इज इक्वल टू कर देते हैं ट्रू, इसको करते हैं रन। अब मैं वापस इस df को रन करूं तो यहाँ पे देखिए नेम जो है मेरा परमानेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं df.head भी लगाऊ ना यहाँ पे, सो हियर वी कैन सी इंडेक्स पोजिशन में यहाँ पे नेम ही मुझे दिखा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने कर दिए परमानेंट। अब यहाँ पे रीसेट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पहली में मैंने सीखा कि इंडेक्स को सेट कैसे करना है, इस कमांड को यहाँ पे, ये जो है मेरे पास ये कोड करके मैंने सीखा df.setindex में कि इंडेक्स को सेट कैसे करते हैं। नेम वाले कॉलम को मैंने इंडेक्स के तौर पर सेट कर दिया। अब मैं इस इंडेक्स को जो सेट है इसको मैं रीसेट करना चाहती हूँ, ठीक है, सेट तो सीख चुके, अब रीसेट कैसे करते हैं इंडेक्स को, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा लर्न करते हैं। सो ऑल राइट, हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, Now we are going to talk about कि रीसेट कैसे करना है इंडेक्स को। तो रीसेट करने के लिए df में है हमारा डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में .reset_index फंक्शन को कॉल कर देते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स था उसको हमने रीसेट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे इंडेक्स को रीसेट किया तो अब डिफॉल्ट इंडेक्स पोजिशन जो आ रहा है वो 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा है और नेम वाला जो है वो अलग से एक कॉलम बन चुका है, इंडेक्स से वो हट चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे इजीली हम लोग रीसेट इंडेक्स जो है इसका यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से आपके पास में आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है, आपके पास अभी यहाँ पे जो दूसरी एक और नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज कि एक आपके पास में लेट्स से डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी से आपको डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है। अब डिक्शनरी से मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। टास्क क्या है आपका, क्या आपको मैं यहाँ पे सिखाने जा रही हूं, तो टास्क यहाँ पे ये है कि आपको डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है।
अब डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी में बहुत डिटेल में डिक्शनरी कैसे काम करता है, डिक्शनरी कैसा वर्क करता है, इसको ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से और डिटेल में हम डिक्शनरी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यहाँ पे आपका की होता है और यहाँ पे वैल्यू होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ डिक्शनरी बनता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक कीवन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाऊं, सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे आपके पास एक डी नाम की डिक्शनरी है, इसके अंदर कुछ आपके पास में की वैल्यू पेयर है। मान लीजिए पहला की जो है उसका नाम है आपके पास की वन, इसके अंदर वैल्यू है मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक की टू है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है मान लो 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरीके से की थ्री है, इसमें वैल्यूज है मान लीजिए 11 12 13 14 15। अब ये तो हो गया डिक्शनरी, आपको इस डिक्शनरी से बनाना है एक डेटा फ्रेम, मतलब मैं चाहती हूँ एक बॉक्स बन के आ जाए जिसमें लिखा रहा है यहाँ पे की वन, ये की टू, ये की थ्री और यहाँ पे सारे के सारे कीज का वैल्यू जो है वो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो ये टास्क है आपका, इसको कैसे करना है इसको सीखते हैं डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक पे। क्या करना है, मेकिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे बनता है ये सीख रहे हैं। इसको हेडिंग के फॉर्मेट में दे देते हैं, रन करते हैं, हेडिंग के फॉर्मेट में देना है, सो इट शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। ऑल राइट, लेट्स जस्ट रन दिस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डी नाम की डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रेसेस होगा, इट इज अंडरस्टूड। सबसे पहले मेरा है की का नाम की वन, और इस की वन के अंदर कुछ वैल्यूज दे देते हैं, इसको लिस्ट में दे देते हैं वैल्यू, मान लीजिए लिस्ट में वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरा एक और मैं की वैल्यू पेयर बना लेती हूँ, लेट सपोज मेरी दूसरी वाली की का नाम है यहाँ पे की टू, तो की टू और इस की टू के अंदर भी वैल्यूज दे देते हैं, लेट सपोज लिस्ट के फॉर्मेट में। आपको ये पता ही होगा जब हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज जो है इसको हम लोग लिस्ट के फॉर्मेट में भी इजिली दे सकते हैं, कॉमा लगेगा। एक और यहाँ पे ले लेते हैं की थ्री, सो लेट मी जस्ट टेक अनदर की, उसका नाम रख लेते हैं की थ्री। इसके अंदर भी जो वैल्यू हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं कुछ लिस्ट ही पास करवा देते हैं, 11 12 13 14 एंड लेट्स से 15, ठीक है। रन करते हैं और मैं एक बार प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको डी वाली डिक्शनरी को। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जैसा डिक्शनरी प्रिंट होता है वैसा ये प्रिंट हो चुका है, लेकिन अब क्या करना है, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या यूज होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम, फ्रेम में एफ कैपिटल होगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पे यूज होता है। और ये जो डेटा फ्रेम वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपको मदद करता है कि आप डिक्शनरी को किसमें कन्वर्ट कर पाए, डेटा फ्रेम पे, उसी के लिए यहाँ पे यूज होता है पीडी डॉट डेटा फ्रेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे और आपके पास आपको डेटा डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो अब मैंने क्या किया, ये जो डी वाली डिक्शनरी है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने डाल दिया, और हियर वी कैन सी द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग हियर। पहले जब डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे थे तो की वन मिल रहा था, की टू मिल रहा था, की थ्री ऐसे मिल रहा था, अब यही चीज मुझे डेटा फ्रेम बन के मिल गई। देखिए की वन वाली डिक्शनरी में वैल्यूज क्या थी आपके पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बन के आ गया। की टू में 6 7 8 9 10 था, 6 7 8 9 10, इसी तरीके से की थ्री में इस तरीके से डेटा आ गया। लेकिन अब मुझे कैसा मिल रहा है, ये एक डेटा फ्रेम एक टेबल की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहा है, जहां पे देखिए आपके पास की का नाम है और यहाँ पे आपके इंडेक्सेस में वैल्यूज जो है वो भी आपके पास में शो हो रहा है, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक हियर कि लाइव में एक बार चेक भी कर लेती हूँ, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स फर्दर। ऑल राइट, नोबडी इज हैविंग एनी डाउट्स फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो क्या हो, छोटा सा पॉइंट है बट इफेक्टिव हो जाता है जब प्रोजेक्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक नया डेटा फ्रेम लेते हैं, लेट सपोज मैं एक BF1 नाम का बना रही हूँ यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे PD डॉट रीड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो CSV डेटा मैं रीड करना चाहती हूँ इसलिए लिख देते हैं CSV, टाइटेनिक वाला तो देख चुके हैं,
और यहाँ पे टेक्सोनॉमी का डेटा ले लेते हैं. सो टेक्सोनॉमी डॉट सी एस वी, इसको रन करते हैं. सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर. लेट मी जस्ट फिगर इट आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर इट इज. सो टेक्सोनॉमी वाला डेटा, ओके, यहाँ पे हमारे पास टेक्सोनॉमी वाला डेटा एक बार जाके गिटहब में भी सर्च कर लेते हैं. सो गिटहब में जाके और टेक्सोनॉमी वाला डेटा कहाँ पे अवेलेबल है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं. सो हियर वी कैन सी काफी सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टेक्सोनॉमी वाला जो डेटा है ना इसका डॉट सी एस वी फाइल है यहाँ पे. तो ये डेटा यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे टेक्सोनॉमी डॉट सी एस वी वाला, एक काम करते हैं यहीं पे हम लोग इस चीज को एक नया पाइथन फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्सोनॉमी वाला डेटा जो है इसको यहाँ पे रीड करवा लेते हैं. सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा पांडास, या फिर वी कैन डू वन थिंग, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी. पांडास इम्पोर्ट हो चुका, अब यहाँ पे DF1 नाम से बना लेते हैं और वेरिएबल, और इसके अंदर रीड करा लेते हैं CSV फाइल जिसका नाम है टेक्सोनॉमी वाला डेटा. तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्सोनॉमी डॉट CSV. तो यहाँ पे आ गया टेक्सोनॉमी डॉट CSV. ओके, इसको रन करते हैं, DF1 को कॉल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टेक्सोनॉमी वाला जो डेटा आप देख रहे हैं ये हमारे पास आ चुका है. टाइटेनिक वाला डेटा फ्रेम में काम कर चुके हैं, उससे काफी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब यहाँ पे एक नया डेटा सेट लेते हैं और कुछ और नई चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी व्हाट वी कैन सी इज ओके, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी आईडी आ गया, नेम आ गया, यहाँ पे पेरेंट आईडी आ गया और पेरेंट नेम यहाँ पे आ गया. तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो डेटा है जैसे है कुछ मेडिएशन का डेटा, वर्क प्लेस राइट, एमरजेंसी कैश, ठीक है. और यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज NAN. NAN क्या होता है? NAN मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, दैट मींस मिसिंग है यहाँ पे वैल्यू. नंबर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वहां पे कोई ना कोई वैल्यू क्या है वहां पे मिसिंग है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी इंसान का, डेटा एनालिस्ट का ज्यादातर टाइम जो है जो जाता है वो बेसिकली इसीलिए जाता है कि डेटा को, मैसी डेटा अगर है तो उसको सही तरीके से फिल्टर कैसे करना है, इसमें काफी सारा टाइम जाता है. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे, डेटा क्लीनिंग के बारे में. तो यहाँ पे NAN मतलब हो गया नॉट अ नंबर. तो अब ये डेटा सेट आ चुका हमारे पास. अब हमें क्या करना है कि जो मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं NAN से, जिसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, अब वो सारे रोज को हमें यहाँ पे डिलीट करना है जिसके अंदर NAN अवेलेबल है. देखिए पहले ही अगर मैं रो में देखूं यहाँ पे, तो ये पेरेंट आईडी में NAN है, यहाँ पे NAN है, और टोटल इस डेटा में, टेक्सोनॉमी वाले डेटा में कितने रोज हैं, तो 290 रोज हैं. तो मैं अब उन सारे रोज को जिसके अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है या डेटा NAN है, उन रोज को मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ. सो दैट इज आवर टास्क. इसके लिए क्या करना होता है, जब भी ऐसे NAN मिसिंग वैल्यूज हमारे पास होती है तो उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं डेटा को क्लीन करने के पर्पज से, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं DF1.dropNA फंक्शन को, हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं. अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे DropNA फंक्शन को कॉल किया, तो पहले हमारे पास कितने रोज यहाँ पे अवेलेबल थे, हियर यू कैन सी 290 रोज थे. ठीक है, अब लेकिन जैसे ही मैंने जो मिसिंग वाले वैल्यूज थे उसको अगर मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हियर वी कैन सी कि अब जो रोज हैं वो यहाँ पे 290 की जगह 279 हो गए. क्यों? क्योंकि जो बाकी के हमारे रोज थे वो कम इसलिए हो गए क्योंकि जो मिसिंग डेटा था हमारे पास जिसके अंदर वैल्यूज NAN थी, वो सारे के सारे रोज को हमने डिलीट कर दिया. तो ऐसे रोज जिसके अंदर आपका डेटा जो है मिसिंग डेटा है, उसके लिए क्या यूजफुल होता है, कौन सा फंक्शन काम करता है पाइथन पांडास में, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप एनए. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स और द इंटरव्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को क्लीन करने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे जाते हैं. सो दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर डिटेल्स अबाउट इट. थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अब ये भी बात आती है, ये जो डेटा में मैंने चेंजेस किए वो सच में हुआ है क्या, 279 रोज के सच में मेरे मेन डेटा में चेंजेस आए हैं?
तो यहाँ पे लिखते हैं DF1, इसको रन करते हैं और देख रहे हैं कि नहीं, ये जो चेंजेस था ये टेम्परेरी था। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, परमानेंट चेंजेस करना है तो उसके लिए क्या अप्लाई करना होगा, लेट मी नो इन द कमेंट पार्ट। जो लोग लाइव देख रहे हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा आर्ग्यूमेंट में डालना। ये डालोगे तभी परमानेंट चेंजेस आपके डेटा फ्रेम पे होंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं परफॉर्म, और df1 डॉट ड्रॉप एन ए था, एक बार फिर से लिख लेते हैं df1 डॉट ड्रॉप एन ए, और यहाँ पे कर देते हैं इन प्लेस इक्वल टू परमानेंट, अब डिलीट कर रहे हैं ठीक है। अब मैं df1 को कॉल करूंगी, तो यहाँ पे df1 है, यहाँ पे df1 को कॉल करूंगी तो देखिए 279 रोज ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ठीक है। सो इस बात को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे अभी जो हमने किया, ये क्या किया हमने, रोज जो थे इसको हमने डिलीट किया ठीक है। ऐसे सारे रोज हमने हटा दिए जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज थे, इसलिए 290 की जगह 279 रोज आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट कॉलम, ठीक है देखिए, जैसे ये पेरेंट एनए है, पेरेंट नेम नाम का मेरे पास एक कॉलम है, और इसमें मैं देख रही हूँ कि एनएन है, मतलब कॉलम कुछ ऐसे कॉलम्स भी हैं जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं। ये पेरेंट आईडी, इसके अंदर भी एनएन है। तो अब मैं चाहती हूँ ऐसे सारे कॉलम्स को मैं हटा दूं इस डेटा फ्रेम से जिसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज है। रोज को कैसे हटाना है सीख चुके हैं, कॉलम्स को कैसे हटाना है चलिए इसको सीखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, और एक बार ना फिर से डेटा को हम लोग यहाँ पे लोड करवा लेते हैं क्योंकि हमने परमानेंट चेंजेस कर दिए थे। तो मैं यहाँ पे df2 नाम का वेरिएबल बना रही हूँ, pd.read.csv फाइल को फिर से रीड करवा लेते हैं। सो pd.read.csv और डेटा का नाम है टेक्सोनॉमी वाला डेटा, तो ये हम लोग फिर से रीड करवा लेते हैं, और df2 नाम का एक बार मैंने वेरिएबल बना लिया ठीक है। अब फ्रेश चीजें मेरे पास आ चुकी है। अब क्या टास्क है, अब टास्क यहाँ पे ये है कि ये मेरे पास ऐसे सारे कॉलम्स जिसके अंदर में मिसिंग वैल्यूज है या एनएन वाला डेटा है, अब मुझे कॉलम को ही यहाँ पे डिलीट करना है। तो कर लेते हैं कॉलम को डिलीट, नॉट अ बिग थिंग। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए अब मेरे पास वेरिएबल का नाम है डेटा फ्रेम 2, दैट इज df2। अब इसके लिए भी यहाँ पे ड्रॉप एनए का ही यूज होगा, लेकिन कौन से एक्सेस के लॉन्ग, कॉलम जो होता है हमारा वो कहलाता है एक्सेस 1, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे एक्सेस इक्वल टू 1। रन करते हैं एंड हियर वी आर सीइंग द रिजल्ट्स कि देखिए पहले जो चार कॉलम्स हमारे पास थे, टैक्सोनॉमी आईडी, नेम, पेरेंट आईडी और पेरेंट नेम, अब वो यहाँ पे हट चुका है और हमें अब मिल रहे हैं केवल और केवल दो ही कॉलम्स, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड नेम। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ पे एनएन वैल्यूज था, दैट मींस मिसिंग वैल्यूज थे दिस टू साइड, तो ये वाला कॉलम भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अभी तक ये बात अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे। आज की क्लास में जितना हमने लर्न किया है इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि कैसे यहाँ पे किसी रो को पर्टिकुलर, अगर कोई रो है आपके पास में तो पर्टिकुलर किसी रो को अगर आपको ऐड करना है, किसी कॉलम को ऐड करना है या डिलीट करना है ये सीख चुके हैं। मिसिंग वैल्यूज हैं और मिसिंग वैल्यूज में कैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रोज, और सॉरी कैसे रोज को डिलीट करेंगे राइट, ये सारी बातें हम यहाँ तक अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू फिगर आउट द मोर थिंग्स। अच्छा अभी ये जो df2 मैंने किया, अगर मैं इसको वापस लिखूंगी तो ये देखिए चारों कॉलम्स आ गए, मतलब कि चेंजेस परमानेंट नहीं हुए हैं। चेंजेस परमानेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यू गाइस आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू मी, सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई हियर, इन प्लेस इक्वल टू 2 ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट में काम आता है। तो चलिए कर लेते हैं, एक बार सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि इसमें भी इनप्लेस काम करता है, हर जगह जहां पे भी परमानेंट चेंज करना है इनप्लेस इक्वल्स टू 2 कर दीजिए। अब देखिए df2 जैसे ही कॉल किया तो केवल और केवल दो ही कॉलम्स यहाँ पे मेरे पास मुझे शो हो रहे हैं। अब एक और यहाँ पे पॉइंट आता है और जो कि थोड़ा जरूरी पॉइंट हो जाता है। देखिए अब ये जो NAN था, मतलब जहां पे भी जो जो मिसिंग वैल्यूज थे वो सारे मिसिंग वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं ये चाहती कि वो मिसिंग वैल्यू जो है ना उसकी जगह कुछ अपने मन से मैं वैल्यू दे दूं, मतलब ये अगर खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये NAN है, तो मैं यहाँ पे इसको हटाऊ ना, डिलीट ना करूं, इस NAN की जगह लेट सपोज मैं वैल्यू जो है जितनी भी जगह NAN है मैं जब उसकी जगह चाहती हूँ कि उसकी जगह मेरा नाम आ जाए स्वाति ठीक है। ये हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, कैसे करेंगे इसको भी एक बार थोड़ा सा सीखते हैं।
तो मैं फिर से आप क्योंकि परमानेंट चेंजेस कर दिए थे तो मैं जितने भी बार DF2 लिखूंगी देखिए दो ही रोज आएगा और मुझे पूरे के पूरे रोज चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ DF3 नाम से एक बार फिर से डेटा को क्या करती हूँ रीड करवा लेती हूँ। तो pd.read क्या रीड करना है CSV फाइल सो अंडरस्कोर CSV। डेटा क्या है मेरा टेक्सोनॉमी वाला डेटा है सो टेक्सोनॉमी वाला डेटा है तो टैब बटन जैसे ही दबाओगे आपको मिल जाएगा। DF3 को कॉल करें तो अब मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। अब क्या टास्क है आपका टास्क यहाँ पे ये है कि जितनी भी जगह ये NaN लिखा हुआ है नॉट अ नंबर या मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह मेरा नाम आ जाए लेट्स से स्वाति। ठीक है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज चलिए इसको परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट। तो इस चीज को करने के लिए मिसिंग वैल्यूज की जगह मैं कोई चीज यहाँ पे फिल करना चाहती हूँ तो इसके लिए फिल एनए मतलब एनए वाली जो जगह है उसकी जगह मैं कुछ अपना चीज फिल करना चाहती हूँ तो फिल एनए यहाँ पे फंक्शन का यूज होता है और मैं चाहती हूँ कि हर जगह जो मिसिंग है उसकी जगह आ जाए स्वाति। सो हियर वी कैन सी कि जो डेटा फ्रेम यहाँ पे देखिए पहले जो हमारे पास आ रहा था यहाँ पे एनए था पेरेंट आईडी के नीचे और पेरेंट नेम के नीचे फर्स्ट वाले रो में। अब यही चीज मैं यहाँ पे देखूं तो अब उसी NaN की जगह यहाँ पे मैंने फिल NA क्या कर दिया स्वाति तो यहाँ पे आने लग गया स्वाति। राइट तो इस तरीके से जो डेटा हमारे पास होता है इसमें मिसिंग वैल्यूज को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिल भी कर सकते हैं। ओके परमानेंट चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं ये बात अगर हम लोग को फिगर आउट करना है तो मैं यहाँ पे DF3 को कॉल करती हूँ। सो हियर वी कैन सी कि परमानेंट चेंजेस नहीं है। परमानेंट चेंजेस करना है तो अभी ये भी आपको तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि क्या करना होगा इन प्लेस इक्वल टू टू। पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है पाइथन लाइब्रेरीज बहुत ही ज्यादा आसान है बट द थिंग इज दैट कि हम कोडिंग प्रोग्रामिंग को इतना ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं थोड़ी टफ लगने लगती है बट इट इज वेरी वेरी इजी अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करें तो। पाइथन के जो बेसिक्स हैं ये मैंने आपको पांडास के बेसिक्स बता दिए। जो पांडास के एडवांस क्वेश्चंस हैं एडवांस और जो टॉपिक है ये हम अपने प्रीमियम बैचेस जो हैं जिसका मैं आपको क्लास का शेड्यूल दिखा चुकी हूँ उसमें हम बाकी की चीजों को कवर करेंगे बट आई होप कि जो बेसिक्स है आपका वो यहाँ तक अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करते हैं तो परमानेंट चेंजेस होते हैं सो कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू कर देते हैं यहाँ पे ट्रू रन करते हैं और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि परमानेंट चेंजेस अब यहाँ पे हो चुके हैं। मैं DF3 को कितने भी बार यहाँ पे कॉल करूं फिर से एक बार लिख लेते हैं DF3 सो DF3 इसको रन करें तो अब देखिए जितनी भी जगह यहाँ पे मेरा मिसिंग वैल्यूज था NaN था उसकी जगह अब यहाँ पे स्वाति जो है वो यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो चुका है। सो दैट इज ऑल कि पांडास में हमने डेडिकेटेड हमारा 2 दिन रखा था जस्ट टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ पांडास। ठीक है तो बेसिक्स हमारा हो चुका है और पांडास के और ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट पांडास में विजुअलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू इन आर प्रीमियम बैचेस। सो दोज हु आर ऑलरेडी देयर इन आर प्रीमियम बैचेस एंड वाचिंग मी लाइव ओवर हियर सो नो नीड टू वरी अबाउट इट वी विल डू ऑल दिस थिंग्स इन आर प्रीमियम बैचेस। जिसकी क्लासेस कब क्या है वो आपको नीचे शेड्यूल में आपको लिंक जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा सो यू कैन इजिली गो थ्रू इट। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीबडी दोज हु आर प्रिपेयरिंग चाहे फ्रेशर्स हो चाहे आप एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो और आईटी में शिफ्ट करना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ मैं एमसीए से हूँ मैं बीसीए से हूँ मैं कॉमर्स से हूँ आर्ट्स से हूँ इवन बीएएमए से दे आर इजिली ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांजिशनिंग देयर करियर इजिली इन टू द डेटा एनालिस्ट। रीजन क्या है रीजन यहाँ पे यही है कि केवल और केवल यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन की जरूरत होती है। पाइथन की 5 लाइब्रेरीज की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये 5ों चीजें आप अच्छे से लाइब्रेरीज को कर लेते हैं एनी बडी वेदर यू बिलोंग टू अ बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स कॉमर्स से आते हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉन आईटी वाले कोर ब्रांचेस से आते हो बीएससी एमएससी कुछ भी आपने किया हो यू कैन इजिली ट्रांसफॉर्म योर करियर ओवर हियर इन द डेटा एनालिटिक्स। सो दैट इज ऑल अबाउट इट कि लाइब्रेरीज जो हैं अब सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपने लाइब्रेरी अभी जब आप वीडियोस देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे राइट तो प्रैक्टिस करने का भी एक कुछ रोड मैप होना चाहिए ना कि ये मुझे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आप लोग जो मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ वो बेसिक्स आपने देखा है जो कि हमारा 10% पार्ट है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर प्रीमियम क्लासेस पेड बैचेस में।
तो यहाँ भी जो आपके बेसिक्स जो है उसको भी कम से कम स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। मैं इसलिए इतना ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पार्ट पे कर रही हूँ, खासतौर पे पांडास नंपाई जैसे लाइब्रेरीज की, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में आपको यूज आना है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपकी जो मेरे वीडियोस में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको सबसे पहले आप वीडियोस देखते देखते साथ में खुद से जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिस करिए। अब कुछ चीज वीडियो को पॉज करके देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आपके हाथ में नोट्स होना चाहिए। जैसा कि हम स्कूल में जाते थे और हमारे पास हर एक चैप्टर का एक नोट्स होता था, तो हमारे लिए पढ़ाई आसान हो जाती थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कोडिंग की बात करना है, तो नोट्स सारे के सारे मैंने स्पेशली नोट्स पे सारा का सारा अपना टाइम जो है वो डिवोट करके पूरे 30 डेज का आपका नोट्स फाइनलाइज कर दिया है। 15 दिन के क्लासेस हो चुके हैं, 15 दिन के 15 डेज के नोट्स आपके ऐप में अपडेट हो चुके हैं। ऐप का नाम है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का ऐप मोबाइल एप्लीकेशन। इट इज एन एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, वो आप वहां से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो वहां से नोट्स भी मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज योर असाइनमेंट पार्ट, सो दैट इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट इन द मोबाइल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 100 डेज का प्रोग्राम है, फर्स्ट 30 डेज वी आर गोइंग टू कवर द पांडास पाइथन कॉन्सेप्ट्स, तो वो हम कवर कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन अनदर क्लास, जो कि आपका होने वाला है डे नंबर 16, वेयर वी आर गोइंग टू कवर अनदर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेटा एनालिटिक्स जर्नी और इन द डेटा एनालिटिक्स जॉब और अ करियर, वट एवर बी द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो मूविंग फॉरवर्ड अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द प्रैक्टिस। नो बडी इज गोइंग टू टेल यू की प्रैक्टिस मत करिए एंड यू आर गेटिंग द प्लेसमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो डू प्रैक्टिस, डू लर्न मोर, एंड जो लोग बाद में वीडियोस को देखते हैं लाइव जो देख पा रहे हैं, उनके पास पर्स होता है कि वो डायरेक्ट मुझसे लाइव कॉन्वर्सेशन के दौरान ही सारे डाउट्स पूछ पाए। बट दोस हु आर नॉट एबल टू वॉच मी लाइव ऑन दिस टाइम, दे कैन वॉच द वीडियोस लेटर एंड आस्क मी वॉट एवर बी द डाउट्स यू आर हैविंग लेटर इन द कॉमेंट पार्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग, दैट इज द की फॉर द सक्सेस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्लेसमेंट्स और द जॉब। Thank you so much. That's all from my side. Looking forward to meet you in another class with another important concept. That will be the day number 16. Thank you so much.